आप अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जी आपका ये नंबर किसका है जनाब? जिसको फोन लगाया उसी का रहेगा ना यार, आपको किससे बात करनी? हाँ, मैंने इंटरनेट पर एक किताब पढ़ा बनाम हदीस के दुश्मन, अच्छा उसी में मिला था। क्या आप सूफी मुफ्ती मोहम्मद कलीम रजवी बोल रहे हैं? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, मेरी ही किताब है, बोलिए क्या काम है। हाँ जी, मैं अब्दुल्ला मदनी मुंबई से, अच्छा आपसे मुनाजरा करना है, कहाँ मिलेंगे आप? मुनाजरा कीजिएगा जी। फोन पे जलील होना है या मेरे घर का पता दे दूँ? हाँ पता भी दे दीजिए और जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसके जवाब भी दे दीजिए। अच्छा, साकिन आका का नाम सुना है मुंबई में? हाँ जानता हूँ मैं, घाटकोपर वेस्ट, कुर्ला वेस्ट, अंधेरी ईस्ट में पड़ता है। अच्छा, साकिन आके के पास है 90 फीट रोड। हाँ, 90 फीट रोड पे डिसोजा बिल्डिंग, उसके पीछे है LBS नगर, लाल बहादुर शास्त्री नगर। अच्छा, उसके पास है वैशाली मैदान, वही फकीर का गरीब खाना है, असरे अबू हनीफा। हाँ, अच्छा जी, और नंबर यही है जिस पे आप बात कर रहे हैं मुझसे, 9146122911। अच्छा, और कुछ तफसील दूं? यही नंबर है, यही नहीं, और एक नंबर है 9820982072770। अब और भी कुछ तफसील दूं? हाँ नहीं, इतना काफी है। इंशाल्लाह जल्द ही हम 10-20 उलमा अहले हदीस आपकी खिदमत के लिए पहुंच रहे हैं आपके पास। 10-20 ही क्यों पहुंच रहे यार, पूरा नजद और उठा कर ले आओ ना, पूरा जामिया सलफिया उठा कर लेकर आ जाओ। ये धोस उसको देना इतने ही काफी है जो तुम्हारी काबिलियत जानता नहीं हो। नहीं, हम इतने ही काफी हैं आपके लिए। अच्छा जी, अब कोई काम की बात है तो बोलो वरना फोन काटूं। नहीं है ना, ये बताएं, ये इमाम अबू हनीफा ने कितनी किताबें लिखी हैं? अच्छा, आप नबी को छोड़ के उनकी तकलीद करते हैं, उन्हें इमाम आजम कहते हैं, हालांकि तहकीक ये है कि वो 3 ही हदीस से ज्यादा जानते ही नहीं थे। ऐसा है अब मौली साहब जी, कि इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने जो किताबें लिखी हैं, तो मशहूर किताब फिक्हे अकबर और किताबुल आसार, और इसके अलावा 15 किताबें इमाम साहब की है, और सबसे बड़ा जो उनकी हयात का कारनामा है कि उन्होंने इल्मे फिक्ह की तदवीन की, फिक्ह को मुदव्वन किया। अच्छा। और मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान और हदीस से इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने 9 लाख मसाइल हल किए हैं, और अच्छा। उसी उनके फिकह की तदवीन की ये बरकतें हैं कि लाखों किताबें अब तक फिक्ह की लिखी जा चुकी है, हिदाया, आलमगीरी, दुर्रे मुख्तार वगैरह। और जिस हिदाया का आप लोग रोना रोते हैं ना, बड़े गंदे मसाइल उसने भरे हैं और बड़े तकरीब अखलाक मसाइल है माजल्ला, वो किताबें आपके मदरसे में भी पढ़ाई जाती, उसी को पढ़ के तुम भी मौलवी बने हो। मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम लोग कितने बड़े मक्कार हो कि तुम चाहते हो कि फिकह हनफी को मुल्क से निकाल दिया जाए। पहले अपने मदरसे से तो निकालो यार, उसको पढ़े बगैर तो तुम लोग मौलाना भी नहीं बन सकते हो। और दूसरी बात, लोगों ने जो 3 हदीस से ज्यादा ना जानता हो उसे आप लोगों ने असगर भी ना बन सका हो, और उसे आप लोगों ने उम्मत का इमाम आजम बना दिया। माजल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने क्या बनाया? अल्लाह व रसूल ने बनाया, पहली बात यह है। और इमाम उम्मत ने बनाया, उम्मत के बड़े बड़े फुकहा उलमा ने बनाया, जो साहिबान नजर थे, समझे? और दूसरी बात, 3 हदीस की जो बात तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारा इमाम आजम से हसद है, वरना अब तक तो तुम्हारे मौलवी बोलते थे कि 17 हदीस जानते, और अब तुम कह रहे हो कि तहकीक ये है कि 3 हदीस जानते थे। कौन जाहिल तहकीक किया बे? किस जाहिल की ये तहकीक है कि इमाम आजम 3 हदीस जानते थे? तारीख पढ़ी है, सीरत का मुताला किया उनकी? हमारा छोड़ो, उलमाए अनाफ का अल्लामा हाफिज इब्ने अब्दुल बर मालिकी रहिमहुल्लाह ने 10 जिल्दों में इमाम आजम की शान में एक किताब लिखी है, मालिकी मजहब से ताल्लुक रखते, उसमें वो लिखते हैं कि इमाम आजम ने बवक्ते वफात, सुन रहे हैं मौली साहब? जी जी सुन रहा हूँ, आप बताएं। बवक्ते वफात अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा मुझे 5 लाख हदीसें याद हैं, उसमें से मैं तुम्हें 5 हदीसों के जरिए नसीहत कर रहा हूँ। अच्छा। तो इमाम आजम तो खुद कह रहे हैं कि मुझे 5 लाख हदीसें याद हैं और मैं उसमें से तुम्हें 5 बातों की नसीहत कर रहा हूँ। तो जो जमाने खैरुल कुरून में हो, जिसे शर्फ ताबईयत नसीब हो, जिसने 70 सहाबा की जियारत की हो, सहाबा से हदीसें जिसने रिवायत की हो, तो तुम उसके बारे में कहते हो 3 हदीस जानते हो? तुम कितनी हदीस जानते हो बे? नहीं जनाब मन, आप लोग सही हदीस के होते हुए भी पहले इमाम पर अमल क्यों करते हैं भाई? नहीं नहीं, अभी तुम पहले वही बात करो कि आप कितनी हदीस जानते हो। अभी तुमने कहा ना कि इमाम को, नबी को छोड़कर इमाम का इत्तबा करते हैं। हाँ भाई, वो तो सही कह रहा हूँ मैं।
तुमने कुरान पढ़ा नहीं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल का हुक्म मानो, अम्र वालों का हुक्म मानो। तो अम्र वालों की तफसीर इब्ने अब्बास वगैरह की पढ़ी नहीं है आपने कि इससे वलमा और फुकहा मुराद है। तो अब अगर कोई वलमा और फुकहा की इताअत कर रहा है कुरान और हदीस को समझने के लिए, उनकी तशरीहात के एतबार कर रहा है, तो उसके बारे में ये कहना कि उसने नबी को छोड़ दिया, खुदा को छोड़ दिया, अरे छोड़ता तो तब जब वो उनको कानून साज समझता, वो तो उनको शारह कानून समझ रहा है, शारह कानून समझ के उनका इत्तबा कर रहा है, तो इसने नबी को छोड़ना काम हुआ। यही भैंसे जैसे अकल में आपके खोपड़ी में अकल है या गोबर भरा हुआ है कि आप माज अल्लाह इमाम की बात को मानना गोया नबी का मुखालिफ बता रहे हैं उसको, जबकि कुरान इस बात का हुक्म दे रहा है कि अम्र वालों की इताअत करो। और एक बात मैं आपको बताऊं कि आप लोग भी तो बार बार बुखारी मुस्लिम से हदीस लेते हो, बुखारी मुस्लिम का हवाला मांगते हो, तो हम भी तो कह सकते हैं कि आप माजल्ला रब्बिल आलमीन बुखारी मुस्लिम से हदीस क्यों लेते हो, साहबा तो नबी से हदीस लेते थे। तुम तौसीफुर रहमान और ये मेराज रब्बानी और ये खबीर डॉक्टर जोकर नाइक, इनसे दीन सीखते हो, साहबा ने इन्हीं से दीन सीखा या नबी से दीन सीखा? तो हम भी तो कह सकते हैं तुमने नबी को छोड़कर इनको अपना माजल्ला माबूद बना लिया, खुदा बना लिया, तुम भी तो पक्के मुशरिक हो। बात करने से पहले सोचा करो मौली साहब। जनाब अमल, आप लोग सही हदीस के होते हुए भी कौन इमाम पर अमल क्यों करते हैं भाई? हदीस के आप लोग दुश्मन हनफी हैं या अहले हदीस? माशाल्लाह सूफी जी, एक किताब और लिखे आप, अहनाफ हदीस के असली दुश्मन। अच्छा मौली साहब एक बात बताइए, तुम जो कह रहे हो तो सिर्फ तुम्हारा कहना जो है ना वो काफी नहीं है, इसकी दलील भी आप पेश करें कि अहनाफ ने हदीस की कब मुखालिफत की है, उसका सबूत पेश करें। अरे क्या सही बुखारी में आपने ये हदीस नहीं पढ़ा? सही बुखारी किताब में ला सलात लिमन लम यक्रा बिफातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं होती जो सूरह फातिहा ना पढ़े। अच्छा तो मुझे मालूम था तुम आज आकर हजरत उबादा बिन सामित की, ये हजरत उबादा बिन सामित की रिवायत है ना, ये हदीस पेश करोगे। तुम सिर्फ नाम के अहले हदीस हो बेटा, तुमको अभी हदीस समझने की सलाहियत तुम्हारे अंदर भी नहीं है, तुम्हारे बड़े बड़े उल्लू माए किराम में भी नहीं, वलामा नहीं उल्लू माए किराम, समझे? आप घुमाए फिराए ना जवाब। अरे मैं तुम्हें जवाब ही दे रहा हूँ मौली साहब, ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब जो हदीस है, इमाम अहमद बिन हम्बल और हजरत सुफियान बिन उयना फरमाते हैं कि ये हदीस अकेले नमाज पढ़ने वाले मुनफरिद और इमाम के लिए है, मुख्तदी के लिए इसका हुक्म नहीं है, मुख्तदी के लिए इसका हुक्म नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि माजल्ला जो सूर्य फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं होती, किस बिना पर कह रहे हैं आप बताइए? अरे सूफी जी, लेकिन इस हदीस में लफ्ज मन तो उमूम के लिए आया है ना, तो इसमें जो मन उमूम के लिए आया है तो इस उमूम की सराहत अल्लाह ने की है या रसूल अल्लाह ने की है? और आप तो उस जमात से ताल्लुक रखते हैं कि जिस जमात में अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बगैर वही के कुछ कहें तो आपके उलमा कहते हैं मत मानो। तरीके मोहम्मदी किताब का नाम सुना है? मौलवी मोहम्मद गुनागड़ी की है, जिसमें उसने साफ लफ्जों में लिखा है कि हम अहले हदीस नबी की भी बात तब मानते जब वो वही के साथ बोलते हैं, बा वही बात जो होती है हम उसको मानते हैं, बगैर वही की हम नबी की भी नहीं मानते। तो लफ्ज मन से जो उमूमियत आप साबित कर रहे हैं तो ये उमूमियत की सराहत खुदा ने की है या रसूल ने? अरे कुछ तो अक्ल रख के बात करो यार, ये तो तुम्हारी चालाकी है, वरना मैंने सुफियान बिन उयना का हवाला दिया, इमाम मोहम्मद का हवाला दिया, वो कहते हैं कि ये मुनफरिद और इमाम के लिए है। चलो ठीक है भाई, आपके पास पहले इमाम के सिवा क्या दलील है कि सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए इमाम के पीछे? तुम्हें कैसे इल्म हो गया कि कौले इमाम के अलावा कोई दलील ही नहीं हमारे पास? यही तो तुम लोगों की हिमाकत, यही सुना सुना के लोगों को गुमराह करते हो। अरे तुम अरे कौले इमाम की और हदीस की बात क्या करो, मैं आपको कुरान से हवाला दूं, कुरान पढ़ा नहीं? सूरह आराफ आयत नंबर 204 रुकू नंबर 14 नौवां पारा उठा कर देख लो, वइजा कुरिअल कुरान फस्तमिउ लहू वानसितु लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश कान लगा कर सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान में पढ़ा नहीं है आपने कि कुरान पढ़ते वक्त खामोश खड़े रहो? तो अब अगर ऐसी हदीस है जिसमें लिखा है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ो तो वो इस आयत के मुखालिफ है, तो जो हदीस आयत के मुखालिफ होगी या तो वो मनसूख होगी या मौजू होगी, ये उसूल मालूम नहीं है आपको? मालूम है। हाँ तो वाह बेटा अंधे मुकल्लिद, तुम तो कारजियों से भी बदतर निकले यार। माशाल्लाह, ये सूरह आराफ की ये आयत जो है ये मक्का में नाजिल हुई,
और जिसका मौका नजूल ये है कि जब नबी कुरान पढ़ते थे तो कुफार छोर मचाते थे, तो कुफार को चुप कराने के लिए यह आयत उतरी, और तुम इसे नमाज में कुरान पढ़ने का फिट किए जा रहे हो। मौली साहब, पता है आप लोगों को, ओ मौली साहब, हाँ बोले, यहाँ बहस इसके शान नजूल से नहीं है, इसके इतलाक और हुक्म से है कि इसका इतलाक और हुक्म कहाँ हो रहा है। आपको मालूम होगा कि सहाबा पहले हालत नमाज में बात करते थे, फिर आयत करीमा उतरी, वकूमु लिल्लाहि कानितीन, अपने रब के हुजूर खामोश खड़े रहो। फिर सहाबा ने बाहम मशवरा किया कि अब खामोश खड़े रहने से तो बेहतर यह है कि हम लोग कुरान ही पढ़े। चुनांचे कुरान पढ़ने का रिवाज शुरू हुआ। तो फिर यह आयत करीमा उतरी, वइज़ा कुरिया अल कुरान फस्तमिउ लहू वानसितु लअल्लकुम तुरहमून, अपने रब के हुजूर खामोश खड़े रहो जब कुरान पढ़ा जाए, कान लगाकर सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब तुम कहते हो कि यह आयत कुफारे मक्का के लिए उतरी, यही कहा ना भी आपने? हाँ मैंने यही कहा। यही तुम लोग यार कुरान हदीस समझते हो? लअल्लकुम तुरहमून से क्या समझा आपने? ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब एक बात बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में कुरान पढ़ रहे हैं और कुफार शोर मचा रहे हैं, अगर कुफार शोर न मचाते तो क्या उन पर रहमत होती है अल्लाह की? अल्लाह की रहमत काफिर पर होती? कुरान पढ़ा नहीं, नहीं। वो नुनज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, हमने इस कुरान को नाजिल किया है जो शिफा है और रहमत है मोमिनों के लिए। वला यजीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और यहाँ जालिम से जो मुराद है, जालिमीन से वो कुफार है, और काफिरों का इसमें खसारा नुकसान बढ़ता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप काफिर को सलाम करते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करते भाई, मना किया गया तो काफिर के लिए रहमत थोड़ी है, मोमिन के लिए भाई। तो लो, तुमने खुद ही जवाब दे दिया, काफिर के लिए जब रहमत नहीं है तो इस आयत में यही तो लिखा है कि जो खामोश कुरान सुने उसके लिए रहमत है। तो जब मुसलमान खामोश कुरान सुनेगा उसके लिए रहमत है, काफिर खामोश भी रहेगा तब भी उसके लिए रहमत नहीं। अब तुम खुद ही कह रहे हो कि सलाम में रहमत हर वो काफिरों को नहीं भेजा जाता है, तो इस आयत में भी तो वही है कि जो खामोश मुसलमान कुरान सुने उस पर रहमत होगी, समझे? और दूसरी बात, नहीं नहीं, कुरान की आयत है ना, तो अब आप तफसीर मदारिक उठा कर देखें। वह जमहूर सहाबती, वह जमहूर सहाबा अला अन्नहु फी इस्तिमाइल मुअज्जिन, आम सहाबा का फरमान ये है कि ये आयत करीमा नमाज में इमाम के कुरान पढ़ने के हवाले से उतरी है। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए साहिब मदारिक लिखते हैं कि जब इमाम कुरान पढ़ता, मुक्तदी पीछे पढ़ते, तो उस मौके के लिए आयत उतरी। अब हम तफसीर की माने या तुम्हारी माने? चलो मान लिया कि ये नमाज में इमाम के पीछे कुरान पढ़ने पर मना हुआ। तुम्हारे यहाँ जो शेखुल हदीस होता है ना, वो हमारे यहाँ उसका दाखला मकतब में होता, समझे? तुम लोग हमारे कुरान हदीस, कुरान हदीस बाजीचे अटपाल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं, समझे? उम्रें खपानी पड़ती तब जाके ये तौफीक नसीब होती है मौली साहब। मान लिया भाई, मेरी बात सुने, नमाज में इमाम के पीछे कुरान पढ़ने पर मना होने के लिए ये सुने आपने, सुनाई मुझे, मगर मान लिया आपने, कुरान मान लिया आपने। और हाँ, लेकिन मेरा सवाल आप देखे ना, सूरह फातिहा कुरान कहाँ है? क्या सही बुखारी किताब? क्या कहा, सूरह फातिहा कुरान नहीं है? हाँ, सूरह फातिहा कुरान नहीं है, कहाँ है कुरान? माज़ल्लाह, क्या है सूरह फातिहा, हदीस है क्या? क्या सही, क्या? हाँ बिल्कुल हदीस है मेरे पास, सुना था इसका। सारी किताब तफ़सीर में आपने ये हदीस नहीं पढ़ी? ये तबअल मसानी वल कुरान अज़ीम अल्लज़ी उतीतु, यही सात आयतें और कुरान है जो मुझे आता फरमाई गई। अच्छा सुनो मौली साहब, ऐसा है, तुम तो सिर्फ बुखारी का नाम जानते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुखारी पढ़ाता हूँ, न जाने कितने तुम जैसे बुखारी पढ़ने वालों को अब तक मैंने फारिग कर दिया, समझे? अच्छा हाँ, तो ये जो हदीस आप पढ़ रहे हैं ना, ये हदीस का आखिरी हिस्सा, ये समझने में भी आपको गलती हो रही। ये किताबु तफसीर में हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला की रिवायत है ना? अच्छा, यही ना, वो कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा था कि रसूलुल्लाह ने मुझे आवाज दी, तो मैं बादे नमाज हाजिर हुआ, तो हुजूर ने फरमाया क्या तूने खुदा का हुक्म नहीं पढ़ा कि जब अल्लाह और रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जा? यही है ना? हाँ यही है भाई, यही है। हाँ, अल्लाह और रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जा। फिर उसके बाद वो फरमाते हैं कि जब मैं हाजिर हुआ तो हुजूर ने फरमाया तुझे ऐसी सूरत ना बताऊं जो कुरान की तमाम सूरतों की सरदार है, इससे पहले कि तुम मस्जिद से निकलो। फिर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और मस्जिद से तशरीफ ले जाने लगे, तो मैंने अर्ज किया आपने नहीं फरमाया था कि ऐसी सूरत बताऊंगा जो तमाम सूरतों की सरदार है? तो फरमाया वो अलहम्द शरीफ है, वही सबउल मतानी, यही पढ़ा था ना आपने, वही सबउल मतानी, हाँ, वल कुरान अल अज़ीम अल्लज़ी उतीतुहु, हाँ, कि
और ये सात आयतें और कुरान करीम, यही सबरे मतानी यानी सात आयतों वाली सूरा और कुरान करीम, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि सूरह फातिहा अलग है कुरान अलग है, ये मतलब समझ रहे हैं? हाँ यही समझ रहे हैं हम। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। एक मिनट मुझे बात बताओ, मैंने आपको 1,00,000 रुपए दिया और 5 रुपए दिया जी, ठीक है, 1,05,000 रुपए मैंने आपको दिया, तो आदमी को मालूम है कि भाई 1,00,000 सामने वाला न लेने वाला भूलता ना देने वाला भूलता, वो बड़ा अमाउंट है और राउंड फिगर है, लेकिन 5 रुपया भूल जाएगा, तो आदमी कहता मैंने आपको 1,05,000 दिया जी, तो 1 और 5 के बीच में और को लाता है, चूंकि 5 उसके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि 5 मत भूलना, 1 तो तुम नहीं भूलोगे लेकिन 5 मत भूलना। तो नबी फरमाते हैं 113 सूरतें तो यकीनन कुरान की है, ये भी कुरान की, लेकिन उन तमाम सूरतों में इसका मकाम ये है कि ये उन सूरतों की सरदार है, उन सूरतों की सरदार है। ये फरमाने का मतलब है कि हमने तुम्हें कुरान दिया और 7 आयतें, यानी तुम कुरान की 113 सूरतों को तो नहीं भूलोगे लेकिन इस सबसे पहली वाली सूरत को भी मत भूलना जिसमें 7 आयतें हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने आपको 1,00,000 रुपये दिया और 5 रुपए, तो 1,00,000 रुपया होता है, 5 रुपया रुपया नहीं होता है क्या? अरे जैसे 1,00,000 रुपया रुपया, वैसे 5 रुपया भी रुपया है, तो जैसे 113 कुरान की सूरतें हैं वैसे ये 7 आयतें भी कुरान की है सूरतें हैं। और ऊपर इसी हदीस में जो ऊपर लिखा है, नबी ने फरमाया क्या मैं तुम्हें कुरान की ऐसी सूरत ना बताऊं, कुरान की ऐसी सूरत ना बताऊं जो तमाम सूरतों की सरदार है, तो नबी ने तो खुद ही फरमा दिया कि ये कुरान की सूरत। अब तुम कैसे बोल रहे हो यार कि ये कुरान की सूरत नहीं है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अरे तुमने कैसे कह दिया ये कुरान में नहीं है? आप लोग यार अंधे मुकल्लिद हो बिल्कुल, आप ये कुरान और हदीस पेश नजर आता है। ऐसा है मौली साहब, सारी दलीलें मैंने दी समझे, और तुम्हारी जो दलीलें तुमने पेश की ना, हदीस और कुरान की आयत की गलत तफसीर, तफसीर बिर्राय, उसका सही माना मफहूम भी मैंने आपको समझाया, अब तुम हमी को अंधे मुकल्लिद बोल रहे हो। बल्कि हकीकत यह है कि बुजुर्गान दीन इम्मा मुश्तहिदीन औलियाए कामिलीन से खुदा वास्ते का बैर है आप लोगों को, और आप वो जमात हो जिसकी पेशिन गोई अल्लाह के नबी ने फरमाई दज्जालूना कज्जाबून यातूनकुम मिनल अहादीस, झूठ बोलने वालों फरेब देने वालों की आखिरी जमाने में एक जमात होगी जो हदीसें गढ़ेंगे, ऐसी हदीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने न सुनी होगी, तो उसी जमात के फर्द हो तुम, और तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, यानी तुम यही कुछ करोगे। आप बताएं आप हमें क्या साबित करना चाहते हैं? हम तुम्हें क्या साबित करना चाहते, इतनी देर में तुम खुद ही साबित हो गए कि तुम एक नंबर के चूतियम सरपरेट दगिरेट हो, तुम खुद ही इतनी देर के गुफ्तगू में तुम खुद ही पगले आजम आलम मालूम पड़ रहे हो यार, हम क्या साबित करें? देखते हम अपने बड़े आलिम को लेकर आते हैं आपके पास, फिर बताते हैं आपको। तुम्हारे बड़े को नहीं, और जितने सड़े हैं सबको ले आओ, सिर्फ बड़े नहीं जितने सड़े हैं सबको ले आओ, एनी टाइम मोस्ट वेलकम फॉर ठुकाई इंशाल्लाह, कसरे अबू हनीफा। हाँ कसरे अबू हनीफा में तुम्हारी ठुकाई होगी बेटा। ठीक 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 है, देख लेते हैं, अल्लाह हाफिज़। रखो बेवकूफ।